नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो के साथ में। आप देख रहे हैं फन विद वीडियो। अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि वीडियो आगे भी लोगों को मिलती रहें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं आमेर किला, जिसको आमेर दुर्ग भी कहते हैं, जो राजा मानसिंह ने बनवाया था। दोस्तों, हमारा सफ़र शुरू हो चुका था, तो हम लोगों ने 3 सीटें बुक कराई थी प्राइवेट एसी बस में, जो कि हमको मिली थी ऐशबाग नहरिया चौराहे से। उसके बाद हम लोग रात भर चले, फिर सुबह वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। फिर हम लोगों ने ऑटो तुरंत किया और उसके बाद में रूम ढूंढने के लिए हम लोग चल दिए। हम लोगों ने रूम पहले से नहीं बुक किया था, क्योंकि बुक करो तो महंगा शायद पड़ जाता है और वहाँ पे जाके बात करिए तो शायद 100 या 150 रुपये छोड़ दें। तो हम लोगों ने बुक रूम लिया था ये स्टेशन, रेलवे स्टेशन या जंक्शन जो पड़ता है उसके पास में। तो दोस्तों, फाइनल हम लोगों ने रूम ले लिया है। ये देखिए, अंशुल भाई अपना लेटा है। ये रूम हम लोगों का पड़ा है 1000 का। भाई स्टूडेंट है तो इसी हिसाब से हम लोगों ने रूम लिया है। 1000 का पड़ा है, बहुत कहने पे होगी। तो दोस्तों, हम लोग तैयार हो चुके हैं नहा वहा करके। अब बस चाय पीनी है और खाना खाना है। और इधर हर्षित तैयार हो रहा है और ये पीछे अंशुल तैयार होकर बिल्कुल बैठा है जूते पहन के। दोनों मास्टर तैयार हो रहे हैं। दोस्तों, चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े सफ़र की ओर। जयपुर से आमेर के रास्ते में ये बीच में पड़ता है जहल महल। उसके बाद लगभग 8 किलोमीटर के बाद आता है हमारा आमेर फोर्ट, जो कि पहले राजधानी भी हुआ करता। ये देखिए, एक पहाड़ी पे छोटा सा दुर्ग बना हुआ है। ये यहाँ से आमेर फोर्ट से यहाँ तक जाने में एक सुरंग बनी हुई है, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद में हम लोग वहाँ उतरे। ये देखिए, रास्ते में शुरुआत में ही हम लोगों को दिख गए थे ये कबूतर, क्योंकि राजा महाराजा जो थे वो कबूतर पालने के बहुत शौकीन थे, जो कि आज भी वहाँ पर पले हुए हैं। ये देखिए, आमेर फोर्ट से इसके सामने फ्रंट में दिखता है ये इसकी जो बाउंड्री वाल आपको दिख रही होगी, ये लगभग 12 किलोमीटर लंबी है। पहले फ़ोन या टेलीफोन हुआ नहीं करता था, तो इसकी दीवार पर नगाड़े रखे हुए थे। यदि कोई राजा आता था या दुश्मन आता था तो अलग अलग धुन में बजाए जाते थे। दोस्तों, कहा जाता है आमेर दुर्ग का जो है ये, इसकी नींव को अलग से नहीं डाला गया था, इसको पहाड़ काट कर ही इसकी दीवारों का निर्माण किया गया है। बाद में इसमें अरावली स्टोन लगा कर बाकी इसके निर्माण करा गया है। दोस्तों, अंदर हम पहुंच गए थे टिकट विकट लेकर के। ये देखिए, हम लोग पहुंच गए थे दलाराम गार्डन में। दोस्तों, जब कोई बाहर से मेहमान आता था, इसी को यहाँ पे रखा जाता। ये सामने जो दिख रही थी अभी आपको डोली नुमा आकृति, इसमें राजा बैठा करते थे और इसके जस्ट सामने रानी, ये इसमें रानी बैठा करती थी। बीच में ये पहले इसको, ये जो इसमें बना हुआ है इसमें पानी भरा जाता है इस समय, लेकिन ये पहले चबूतरा नहीं हुआ करता था, तब यहाँ नाच गाने का प्रोग्राम हुआ करता था। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ चले। ये देखिए, इस पर कुछ सामान भी बेच रहे थे, जूते चप्पल और कंगन वंगन। दोस्तों, ये कटिंग इसलिए बनाई गई क्योंकि घोड़े को चढ़ने में आसानी रहे। और इसके बाद में ये देखिए, ये हम लोग रास्ते में जो इस रास्ते से हम लोग गए थे, ये नौकर चाकरों का रास्ता बोला जाता है। आगे अभी आपको दिखाएंगे, जिधर से राजा की सवारी आती थी उधर से राजा आते थे, इधर से केवल नौकर चाकरों को आने की इजाज़त थी। ये देखिए, पूरा राजस्थान का जो अरावली पर्वत है उससे स्टोन ला करके यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ से देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बताएंगे ये जो झील दिख रही है इसको क्यों बनाया गया था और यहाँ पे अभी कौन कौन पिक्चरों की शूटिंग हो चुकी हैं। बहुत ही खास इसकी स्टोरी रही है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहे थे, साथ में हमारे अंशुल और कपिल, दोनों थक गए चढ़ते चढ़ते। हर्षित तो कह रहा था कि जब राजा महाराजा के सिपाही विपाही आते होंगे तो उनको 3 बार तो यहाँ आराम करना पड़ता होगा। तो चलिए, इसी के साथ चलते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ये जो रास्ता है ये राजा महाराजा का आने का रास्ता हुआ करता था। इस पर से हाथी आते थे, बाकी उनके पीछे पीछे सवारी आती थी, लेकिन इस समय यहाँ पे वन वे बना दिया गया। इधर से गाड़ियाँ उतरती हैं और एक दूसरी साइड है, उधर से गाड़ियाँ चढ़ती हैं। तो बाकी हम लोग धीरे धीरे चढ़ते हुए आराम करते करते हुए चल दिए। दोस्तों, जब ज़्यादा गर्मी ना हो तब आइए।
ये देखिए गोल्फ कार है, ये 50 रुपये प्रति व्यक्ति लेता है ऊपर आने में। ये आपको बाहर से नीचे ले आएगा। ये सामने है भैरव गेट, जो कि यहाँ की पहरेदारी भी करते हैं। पर्यटक जो आराम पर आते हुए थक गए हैं, हाथ में पानी की बोतल, कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं चलेंगे नहीं तो पानी की बोतल ख़त्म हो जाएगी। इधर दोस्तों हम लोग सिंगपोल से 100 रुपये का टिकट लेकर अंदर की ओर चल दिए। ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है, ये इसको कहते हैं सूर्य गेट। इधर से ये राजा जो आते थे उनका प्रवेश होता था, और ये जो सामने गेट दिख रहा है इसको कहते हैं चंद्र गेट। इधर से जो रानियाँ आती थी उनका प्रवेश करता, और ये जो इस समय आपको दिख रहा होगा ये इस समय राजसी परिवार के पास में है, ये सरकार को नहीं दिया गया है। बाकी ये सामने आप देख रहे हैं ये है सिंगपोल। इधर से हम लोग लेकर आए हैं टिकट, और ये सामने जो आपको नीचे खिड़कियां नुमा दिख रही हैं इसमें मुनीम लोग बैठते थे, और जो जो सामने महल टाइप में दिख रहा है ये है गणेश पोल। दोस्तों ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है इसमें कुल मिला के 48 पोल हैं, जिसमें सफ़ेद जो खम्भे बने हैं उनकी संख्या 16 है, जो कि सफ़ेद संगमरमर से बने हुए थे, उनको मकराना से लाया गया था। बाकी जो 32 पोल हैं वो राजस्थान के करौली से लाया गया था। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आता है, देखिए। दोस्तों इस महल का निर्माण कुल मिलाकर 3 राजाओं ने किया। पहले जो राजा थे वो राजा मान सिंह थे, दूसरे मिर्जा राज थे, तीसरे सवाई जय सिंह थे। तो दोस्तों अब लोग हम लोग आ गए हैं, ये जो इनका लेटरिन बाथरूम हुआ करता था ये है नहाने की जगह, जहाँ पे ये नहाने वाली जगह है। और इसके बाद में ये देखिए इनका है लेटरिन, जो कि आधुनिक ज़माने से मेल खाती हुई है, बस अपने में सीट रख दी जाती, उनके में भी ऐसे ही बना हुआ था। इसके बाद में इधर से हम लोग होते हुए आगे चलते हैं शीश महल की ओर। हम लोग गणेश पोल ना होकर के इधर से ही शॉर्टकट से शीश महल जल्दी जल्दी में चले गए थे, लेकिन हम लोगों को जाना था गणेश पोल से। गणेश पोल से जो नज़ारा है वो आपको हम आगे दिखाएंगे चल करके। ये देखिए अब हम लोग शीश महल की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये जो गार्डन है इसको जनाना गार्डन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे केवल जो स्त्रियाँ होती थीं उनको ही प्रवेश मिलता था, और जो राजा के मतलब खास मित्र आते थे या दूसरे राजा आते थे उनको ही केवल इसमें प्रवेश मिलता था। दोस्तों इस समय जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये मिर्जा राज जय सिंह ने बनवाई थी। दोस्तों राजा ने अपनी रानी के लिए रहने के लिए 3 मौसम के 3 बेडरूम अलग अलग बनवाए थे। ये शीश महल के पीछे जो एक बेडरूम है, यहाँ पर जाड़ों में रहने के लिए, क्योंकि जाड़ों में घी तेल के दीपक जलते थे, शीशा गर्म होता था तो पूरा रूम गर्म रहता था। इसके जस्ट सामने बरसात वाला रूम है जिसकी छत थोड़ी खुली हुई है, वहाँ बरसात के मौसम में रानी रहती थी, और इसके ऊपर शीश महल के ऊपर जस्ट गर्मियों में रहने के लिए वहाँ पे पानी भरा जाता था, फिर खस का पंखा चलाया जाता था। दोस्तों ये देखिए शीश महल में जो शीशा लगा हुआ है इसको बेल्जियम से तब राजा ने महंगे दाम पर मंगवाया था, क्योंकि इतना अच्छा शीशा अपने यहाँ मिलता नहीं था। साथ में इसमें जो पीले कलर का देख रहे हैं ये दोस्तों सोने का जो पानी होता है उससे कलर किया गया हुआ है, तब जाके ये शीश महल ऐसा तैयार हुआ है। दोस्तों तब आप सोच सकते हैं कि कितनी महीन कारीगरी देखी हुई थी। अब दोस्तों हम लोग आ गए हैं ये गणेश पोल के जस्ट ऊपर। यहाँ से दोस्तों जो खिड़की से हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से जब राजा युद्ध जीत कर आते थे तो रानियाँ उन पर यहीं से फूल बरसाती थी। वो इसमें देखिए ये बहुत ही महीन कारीगरी है, हिंदू मुस्लिम एकता की, सूरज भी बना हुआ है, चांद भी बना हुआ है, और इसकी जो अभी छत आपको दिखाएंगे इसमें देखिए कलर जो है वो तभी 450 साल पहले का ही है। इसमें ये देखिए पेंटिंग भी बनी हुई उभरी हुई, और इसमें आपको फिर से बता रहे हैं जो ये कलर आपको दिख रहा होगा इस समय छत में, ये नीला कलर, बाकी जो कलर है वो 450 साल पहले का ही है, उसके बाद दोबारा इसमें रिपेयर नहीं कराया गया है। यहाँ पे दोस्तों केवल राज परिवार ही आ सकता था, बाकी अलग नौकर चाकर यहाँ पर नहीं आ सकते थे। दोस्तों ये आपको सामने जो छोटे छोटे दो ब्लैक कलर में कढ़ावे दिख रहे हैं, दोस्तों जब जोधा अकबर पिक्चर की शूटिंग हुई थी तो ऐश्वर्या राय ने इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया था। और इसके ये जो जयगढ़ दुर्ग देख रहे हैं, यहाँ से बताई जाती है एक सुरंग गई है, गुप्त सुरंग, लेकिन उसका रिपेयर का काम चल रहा है तो उसको बंद कर दिया गया है पर्यटकों के लिए। और इसके पीछे अब आप जो देख रहे हैं ये छोटे छोटे घर, इस समय ये नौकरों के
रहने की जगह बना दी गई थी। पहले जो यहाँ पे मीणा जात के राजा रहते थे, पहले ये जो जगह है यहाँ मीणा जात की ही थी। उसके बाद में राजपूतों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था। और ये जो छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे नौकर चाकर रहा करते थे। ये देखिए अभी कुछ सामान भी इसमें पड़ा हुआ है। राज परिवार भी जो था पहले इन्हीं घरों में रहता था, और उसके बाद में जब पूरी बिल्डिंग हो गई उसके बाद में ये ऊपर राज परिवार रहने के लिए आया था। दोस्तों ये देखिए इधर से गाड़ियाँ आती हैं, इधर से रानी जो थी वो आया करती थी चंद्रगेट से, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रहता है। दोस्तों जब भी आपको राजस्थान घूमने का मौका मिले तो आमेर फोर्ट ज़रूर आइएगा मेरे कहने से, फिर आपको पता लगेगा क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए गार्डन जो है इसको माउंटा लेक कहते हैं। इसको इस पर जो ये आपको बीच में फुलवारी दिख रही है इसमें पहले केसर लगाया गया था, तो इसको केसर को जब लगाया गया तो इसको ठंडा रखने के लिए राजा ने वहाँ पे एक झील बनवा दी गई थी, क्योंकि केसर जो है वो जम्मू कश्मीर में मतलब कि ठंड में ज़्यादा रहता था, तो इसके लिए वो बनवाई गई थी माउंटा लेक। अब दोस्तों हम लोग यहाँ आ गए हैं जलेबी चौक में। ये जो प्रांगण पहले था इसको जलेबी चौक किया कहा जाता था। अब इसमें देखिए स्कूटर भी बच्चे चलाते हैं, बाकी सामान वामान खाने पीने की चीज़ें भी हैं, और यहीं पे मुंशी लोग भी बैठा करते थे, जो देखिए अभी शीशा वीशा लगा है। और जो वीर पिक्चर है उसकी फाइनल शूटिंग जो हुई है आखिरी की यहीं पर हुई थी। दोस्तों अगर जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो लाइक करिए शेयर करिए। दोस्तों पूरी तरीके से आमेर फोर्ट को बनाने के लिए 137 साल लग गए थे, जो कि कुल मिलाकर 3 राजाओं ने बनाए थे। दोस्तों अगर जो आपको आना है यहाँ पे तो 8 बजे ये खुल जाता है और शाम को 4 या 5 बजे बंद होता है। तो दोस्तों अगर जो आप और कहीं की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कहाँ के देखना चाहते हैं। अगर जो आप जयपुर आते हैं तो आमेर फोर्ट हमारी पहली पसंद रहेगी, आप आमेर फोर्ट ज़रूर टहलिए। यहाँ का मौसम वातावरण आप बहुत ही अच्छा लगेगा, खाने पीने की भी चीज़ें भी यहाँ पर हैं। तो चलिए इसी आशा के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। दोस्तों वादा करते हैं अगली वीडियो आपको और अच्छी लगेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।